किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका वेलकम करता हूँ फार्मिंग लीडर चैनल में। किसान वीरो, आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं BCS कंपनी की स्टॉल से, जो कि लखनऊ मेले के अंदर लगी हुई थी। इनका प्रोडक्ट है थ्री व्हील पावर रिपर। तो इसकी आपको प्राइस, सब्सिडी, इससे हम कौन कौन सी फसलें काट सकते हैं, कितना तेल खाती है, कितना टाइम में एक एकड़ क्लियर हो जाता है, तो लगभग सभी सवालों के आपको जवाब इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप मुझे बताएं आपके इस प्रोडक्ट के बारे में। सर ये जो मशीन है, ये रिपर बाइंडर मशीन है। इसमें तीन मॉडल आते हैं हमारे पास, फोर व्हील, थ्री व्हील और ट्रैक्टर वाली। इससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। इससे क्या है कि इससे अपना गेहूं, धान, जौ, जई, चारे वाली या उड़द, मूंग, मसूर, चना जितनी फसल है उसे काट के बाइंडिंग भी करते हैं। अगर बाइंडिंग भी करना है तो उसे लाइन में लगा देती है। ये अपना एक घंटे में एक लीटर डीजल लेती है और एक एकड़ की कटाई मुनाई करती है एक घंटे के अंदर, जिससे फार्मरों को बहुत फायदा हो रहा है। सर आप मुझे बताएं इसकी रिपेयर वगैरह कैसे है, ऐसे हम कौन कौन सी फसलें काट सकते हैं, डिटेल में बताएं सर। सर इसमें फसलें जैसे हम अपना हो गया गेहूं, धान, जौ, जई, अपना जो दलहनी फसल है उड़द, मूंग, मसूर, चना या बरसीम, जैसे चारे वाली फसल। तो सर इसके अलावा जैसे छोटी फसलें होती हैं, बरसीन हो गया और छोटी छोटी फसलें होती हैं, वो भी इसमें हम काट सकते हैं। हाँ वो इसमें सर अपना बरसीम के लिए इसमें कटर चेंज हो जाएगा सर। ठीक है। कटर चेंज हो जाएगा तो वो बिल्कुल लेवल से ही काटेगी और काट के लाइन में लगा देगी सर। और मेंटेनेंस के लिए क्या है सर, हम लोग डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसा फील्ड में मशीन है तो फार्मर हमें फोन करेगा, हम अपना इंजीनियर भेज देते हैं उसके पास, क्योंकि मशीन थोड़ा कॉम्पैक्ट लाने के लिए थोड़ी। सर इसको ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल सर, ले जा सकते हैं। सर बताएंगे इसकी वारंटी वगैरह कितनी रहती है। सर वारंटी रहती है इसकी, 6 महीने की वारंटी है। सर जो ये फोर्क है ना, ये ना फसल को इकट्ठा करती है, फसल को इकट्ठा करती है और जो ब्लेड है ये यहाँ से कटिंग करते हैं, काट के यहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर जो नोटिंग लगा हुआ है, ये नोटिंग मैकेनिज्म है जो बंडल बांधता है, बंडल बांधता है, नीचे छोड़ देता है। ठीक है। इसमें गियर सिस्टम कैसे है सर? इसमें जो हमारी रिपर बाइंडर मशीन, इसमें 4 गियर फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है। इसमें जो वर्किंग होती है वो फर्स्ट और सेकंड गियर में ही काम होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ जो है स्पीड के लिए, ले जाने के लिए। तो सर बताएंगे इसकी कीमत कितनी है? सर इसकी कीमत 370,000 रुपये कीमत है सर, और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अभी जो सब्सिडी चल रही है वो 125,000 रुपये सब्सिडी चल रही है, और हमारी अभी डिपार्टमेंट में जो बात चल रही है सर, इसमें सब्सिडी और रिवाइज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है इस साल इसमें सब्सिडी 175,000 रुपये हो जाएगी सर। तो सब्सिडी आप बोल रहे हो, वो कौन से डिपार्टमेंट से मिलती है? सर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलती है, खेती बाड़ी महकमे से। ठीक है सर। वो सेंटर लेवल पे अवेलेबल है या स्टेट लेवल पे है? वो सर सेंटर लेवल से भी है, स्टेट लेवल से। और अब किसान वीरों हम बात करते हैं इस मशीन में छोटी छोटी कमियों की। एक तो इस मॉडल के हमें स्टेयरिंग नहीं देखने को मिलता, ड्राइविंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी किसान भाई को स्टेयरिंग वाला मॉडल लेना है तो उसको फिर बड़ा मॉडल लेना पड़ेगा, जो इससे भी महंगा है। और दूसरी कमी मुझे ये लगी, इसका थोड़ा सा प्राइस और कम होना चाहिए था ताकि इसको ज़्यादा किसान खरीद सकें। बाकी मुझे आप बताएं, अगर किसी किसान भाई ने इसको यूज़ किया है तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि और किसान वीरों की भी हेल्प हो सके। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।